आज हम उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है ज़बान शनासी। किताब में पेज नंबर 7 पर ज़बान शनासी दिया गया और उसमें दिया गया ज़ेल के जुमलों में खतकशीदा लफ्ज़ मुस्तकिल कलिमा है या गैर मुस्तकिल कलिमा। खौसैन में लिखिए, कलिमे की दो किस्में हैं, एक मुस्तकिल और एक गैर मुस्तकिल। मुस्तकिल कलिमा ऐसे कलमे को कहते हैं जो अपने आप में खुद माने देता हो, जैसे दौलत, इल्म वगैरह। गैर मुस्तकिल कलिमा ऐसे कलिमे को कहते हैं जो अपने आप में माने नहीं देता, जैसे का, से, में वगैरह। यहाँ पर दिया गया नमाज का वक्त हो चुका है, का को खतकशीदा किया गया, ये गैर मुस्तकिल है क्योंकि का अपने आप में कुछ माने नहीं देता जब तक कि वो जुमले में इस्तेमाल ना किया गया हो। नया कलम लो, कलम पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि लिखने की चीज़ है, तो ये मुस्तकिल कलिमा है। सुबह से शाम तक मत खेलो, खतकशीदा किया गया तक को, तक कुछ लफ्ज़ नहीं जब तक कि वो दूसरे अल्फाज के साथ ना मिल जाए, तो ये भी गैर मुस्तकिल कलिमा है। फजर के वक्त उठो, वक्त अपने आप में माने रखता है, यानी वक्त बोल तो हमको समझ में आता है कि ये टाइम के बारे में बताया जा रहा, तो ये मुस्तकिल है, मुस्तकिल कलिमा है। घर से स्कूल जाओ, से को खतकशीदा किया गया, खतकशीदा के माने अंडरलाइन है, से जो है ना अपने आप में कुछ माने नहीं रखता, तो इसीलिए ये गैर मुस्तकिल कलिमा है। आज का अखबार लाओ, अखबार पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि उसमें खबरें होती हैं, तो वो मुस्तकिल कलिमा है। शादा हंस रही है, हंस रही है बोलते ही हमें समझ में आ जाता है कि वो कुछ काम कर रही है, तो वो भी मुस्तकिल कलिमा है। रेहाना भी जो है ना मुस्तकिल कलिमा है। दिन भर काम करो, भर बगैर दूसरे अल्फाज के साथ मिले के कुछ माने नहीं देता, इसीलिए ये भी गैर मुस्तकिल है। रात में जल्दी उठो, में जो है ना जब तक के दूसरों के साथ ना मिले, गैर मुस्तकिल है, माने नहीं देता। इसके बाद दिया गया ज़ेल में खतकशीदा लफ्ज़ गैर मुस्तकिल कलीमे की कौन सी किस्म है। अहमद कल ही घर गया, यहाँ पर गैर मुस्तकिल कलीमे की चंद किस्में हैं, तो उन किस्मों में से हमको देखना है कि वो कौन सी किस्म है। गैर मुस्तकिल कलीमे की चार किस्में हैं, तख़सीस, फिजाइया, अत्फ और रब्त। तो यहाँ पर दिया गया अहमद कल ही घर गया, यानी ही बोलकर यहाँ पर मखसूस कर दिया गया कि कल ही वो घर गया, तो वो ही जो है ना तख़सीस है। वाह तुमने अच्छा काम किया, वाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे अल्फाज हैं जो बेसाख्ता हमारे मुंह से निकल जाते हैं, तो ऐसे अल्फाज को फिजाइया कहते हैं, ये भी गैर मुस्तकिल कलीमे की एक किस्म है। ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह है, वो जो है ना ज़मीन और आसमान दोनों को मिला रहा वो लफ्ज़, तो वो अत्फ है। उससे कहो, ये लफ्ज़ भी दोनों को मिला रहा, लेकिन और वो अत्फ जो है ना और वो के माने देता है, और से जो है ना दोनों को मिला रहा है लेकिन वो दोनों में रब्त पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हुरूफ रब्त कहते हैं। सिर्फ इतना ही पढ़ो, ही का इस्तेमाल करके वहाँ पर लफ्ज़ को मखसूस कर दिया गया, इसीलिए इसे तख़सीस कहते हैं। गीबत से बचो, ये गीबत और से बचो बोलकर से जो है ना दोनों को मिला रहा है, इसीलिए वो रब्त है, हुरूफ़ रब्त। हामिद और हम्माद दोनों मस्जिद गए, हामिद और हम्माद और का इजाफा करके यहाँ पर दोनों में दोनों को मिलाने की कोशिश की जा रही, इसीलिए इसे अत्फ कहते हैं। अत्फ क्या करता, और वो के माने देता। शाबाश, यानी ये भी ऐसा लफ्ज़ है जो बेसाख्ता हमारे मुंह से निकल जाता है, तो ये भी जो है ना हुरूफ़ फिजाइया है।